वेलकम। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक एआई के जरिए कुछ जानवरों का 3D मॉडल्स बनाया था और इस गेम में यूज किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आज हम उसी गेम को और थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं, उसमें और कुछ 3D मॉडल्स हम ऐड करने वाले हैं, और आज हम उसी एआई का फिर से यूज करने वाले हैं और उस एआई में कुछ नए फीचर्स भी आए हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए और सबटाइटल के साथ देखिए, क्योंकि इस वीडियो के सबटाइटल में मेरा जो अपवर्ल्ड गेम है उसका मैं की फ्री में देने वाला हूँ। 10 जो स्टीम की थे वो मैं इस वीडियो के सबटाइटल में रैंडम जगहों पर डालने वाला हूँ, तो सबटाइटल के साथ जरूर देखिए ताकि आप फ्री में जो अपवर्ल्ड गेम है उसे ट्राई कर सको। तो चलिए अब इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैं जरा आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली क्या रेडी है। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ये सारा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, तो उसे भी जाकर जरूर देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सारे जानवर अवेलेबल है। ओके, जस्ट मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये सारे जानवर हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में बनाए थे। और ये सारे जो जानवर है, ये पर वाले घोड़े वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे जानवर हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। तो चलो हम इसे उठाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाई थी, और ये उड़ता भी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में हम कुछ और नए जानवर हम इस वीडियो में डालेंगे और हम देखते हैं। तो हम इसे जितना चाहे ऊपर लेकर जा सकते हैं। और या ये जो सिस्टम है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और हम इसमें और कुछ नई चीज़ें डालेंगे। वो वहाँ पर कुछ ग्लिच हुआ था, लेकिन इग्नोर मारो अभी के लिए। तो ये है अभी के लिए। और ये सारे जो जानवर आप देख रहे हो ये सारे फंक्शनल है। अगर आपको देखना है तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर देख के आइए। और अब हम इसमें और जो नए जानवर है वो हम ऐड करेंगे। तो इस बार भी हम जो 3D मॉडल जनरेशन है उसके लिए हम रूडिंग जेन AI का यूज करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि जो जेन 1.5 जो वर्जन है उन्होंने रिलीज किया है, और इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं 3D मॉडल जनरेशन के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज टू 3D इस तरह से मॉडल आप जनरेट कर सकते हो। वो मैं एक एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप टेक्स्ट टू इमेज यहाँ पर डाल सकते हो। लेट सपोज आई जस्ट टाइप चिकन and it will give you image and then you can convert that image to 3D. So this is how text to image version works. And also the new feature they added is you can kind of mix two images and make a fusion. मतलब कि आप दो images को mix करके एक नए जो क्या कहते हैं ना, एक नए प्रकार की मुर्गी आप बना सकते हो। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि let's suppose कि मैंने यहाँ पे डाला chicken white एंड मैंने इसे कंफर्म कर दिया। तो जैसे ही आप दो images यहाँ पर add करोगे तो आपको यहाँ पर जो है generate करने के लिए, जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप मल्टी व्यू इमेज से भी, मतलब कि अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट के दो तीन इमेजेस हैं तो उससे भी आप 3D मॉडल जनरेट कर सकते हो, जो कि एक एज अ 3D स्कैन की तरह आपको मॉडल जनरेट करके देगा। और जो फ्यूजन है इससे क्या होगा कि व्हाइट मुर्गे के कुछ पार्ट मिक्स हो जाएंगे और जो गोल्डन मुर्गे उसके कुछ पार्ट मिक्स हो जाएंगे और ये फ्यूजन बना देगा दो मॉडल्स का। तो ये कुछ नए फीचर्स उन्होंने अब जो 1.5 है उसमें ऐड किए हैं। और इसके अलावा जो कि बाकी फीचर्स है, जैसे कि आप 3D मॉडल जो है बाउंडिंग बॉक्स, मतलब कि जो आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है तो उसका जो साइज है उसके साइज के हिसाब से आप मॉडल जो नया वाला मॉडल है वो बना सकते हो एग्जैक्ट उसी साइज का। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो और एक फीचर मिल जाता है वो है वोक्सल। तो वोक्सल क्या होता है कि बेसिकली आप जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसे यहाँ पर अपलोड करके, सो लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक रैंडम मॉडल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैट का मॉडल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और ये देखिए कि यहाँ पर जो है कैट का जो है वोक्सल यहाँ पे जनरेट हुआ है। और इसी वोक्सल के बेस पर जो मेरा नेक्स्ट कैट का मॉडल बनेगा वो अराउंड इसी साइज का होगा। तो इसमें आपको जो है वोक्सल जनरेशन यहाँ पर यूज में आता है। और उसके बाद में जो पॉइंट क्लाउड कंट्रोल है ये एग्जैक्टली मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी कोई मॉडल है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे पास एक घोड़े का मॉडल पहले से रेडी था, तो हमने उस घोड़े को इस जो पॉइंट क्लाउड कंट्रोल है ये वाला जो फीचर है ये मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब कि आप एक ही मॉडल से मल्टीपल वर्जन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आपको बस जो पुराना मॉडल है, मैं आपको फिर से वही कैट का जो मॉडल है यहाँ पे इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कैट का मॉडल है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए। और आप मतलब इसी कैट के मॉडल से आप और भी कैट के मॉडल्स बना सकते हो, और जो प्रोपोर्शन होगा वो मतलब सेम होगा। तो इससे आपको आसानी होगी, अगर आपके पास ऑलरेडी एक रिग्ड कैरेक्टर है तो आप उसी रिग्ड कैरेक्टर के मल्टीपल वर्जन बना सकते हो और आपको रिगिंग में आसानी होगी क्योंकि उनका साइज और शेप सेम होगा। तो ये जो है पॉइंट क्लाउड कंट्रोल, दिस इज माय फेवरेट फीचर। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे तो क्या AI का यूज करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आप AI का यूज नहीं करोगे तो आपके प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, वो कभी बनेंगे ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यूज करो, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये लोगों ने बनाए हैं और ये लोग यूज कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप AI के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रहने वाले हो, ये पक्का है। तो वो किसी ने कहा था कि AI आपकी जॉब नहीं लेगा, जॉब वो लेगा जो AI यूज कर रहा है।
तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है और ये हर AI टूल के साथ लागू होती है। तो आप इस तरह के टूल्स का यूज अपने पाइपलाइन में करो और अपना जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें आगे बढ़ाओ। स्पेशली आप इंडी डेवलपर हो तो उनके लिए तो ये वरदान है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप और भी इंटरेस्टेड हो तो मेरा पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए, वहां पर भी मैंने काफी डिटेल में और बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं जो कि आपको इस वीडियो में भी थोड़े से हाईलाइट होंगे। तो ये मॉडल आ गया, लेकिन यहाँ पे गोल्डन मुर्गी आई है, हमें चाहिए व्हाइट मुर्गी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करेंगे व्हाइट, तो ये हमें व्हाइट मुर्गी का जो फोटो है वो दिखा देगा। तो ये जनरली टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज टू 3D इस तरह से वर्क करता है। तो हम इसे कंफर्म करते हैं और जनरेट पर क्लिक कर देते हैं, तो ये जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और हमें जैसा मॉडल चाहिए, जैसे कि आपको इमेज में ये मुर्गी दिख रही है वैसा ही मॉडल आपको दिख जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या बोल रहा है, हाँ, तो 50% डिस्काउंट का ऑफर आपको बीच में ही आ सकता है, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। तो हम मुर्गी पे फोकस करते हैं। ये कुछ नया ही फीचर ओपन हो गया था, मुझे पता भी नहीं था ये कुछ नया आया है। तो 50% डिस्काउंट का फायदा भी आप ले सकते हो अगर बीच में आ जाए तो। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि हमारी जो मुर्गी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, मतलब खाने के लिए नहीं, बस मॉडल रेडी हुआ है। ओके, तो मैं क्वाड मेश प्रेफर करता हूँ, तो प्रो मोड में आपको काफ़ी डेंस मेश मिलेगा, और जो क्वाड मेश है उसमें आप मेश को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑन एंड एवरेज कितने वर्टिसेस चाहिए। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 4000, तो ये हमें एक ऑप्टिमाइज्ड मेश देगा जो कि फिर बाद में हमें ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम 4000 सेलेक्ट करेंगे और इसको कन्फर्म कर देंगे, और ये अब फाइनलाइज कर रहा है मेश को। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें जो ऑप्टिमाइज्ड मेश है वो मिल चुकी है। अगर आप चाहो तो इसका टेक्सचर जनरेट करते समय यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर अगर आप चाहो तो और इमेज अगर आपको ऐड करनी है, कोई और मुर्गा पसंद है तो उसका भी इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पर आप जनरेट पर क्लिक कर दो और ये जो टेक्सचर जनरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब आप मॉडल एक इमेज से जनरेट कर सकते हैं और टेक्सचर अलग इमेज से जनरेट कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। और एक ऑप्शन है जिसमें कि आप दो इमेजेस को फ्यूजन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो मुर्गी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, मतलब कि हमारा जो मॉडल है वो टेक्सचरिंग के साथ बन चुका है, और अब हम इसे जिस चाहे उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आपको जो टेक्सचर रेडी हुआ है वो अगर पसंद ना आए तो आप रीडू का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो अभी तो मैं एक बार रीडू करूंगा, क्या पता और अच्छा टेक्सचर मिल जाए। तो यहाँ पर हम रीडू करेंगे इसको और ये हमें और एक नया टेक्सचर दे देगा। और यहाँ पर आप जो है जितने भी टेक्सचर्स आपने बनाए हैं वो हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, और आप मतलब पहले वाला टेक्सचर भी, मतलब जो भी जितने भी टेक्सचर्स आपने बनाए हैं उनमें से भी आप टेक्सचर चूज कर सकते हो। तो जो पहले बना था वही ठीक था, वो मैं भी कंफर्म कर देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि डाउनलोड के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप .obj में, .fbx, .glb, .usdz, .stl जो कि 3D प्रिंटिंग के लिए यूज होता है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम इसे डाउनलोड करेंगे और गेम में डालेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने जो अपना जो मुर्गी है उसको रिगिंग करके गेम में डाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो मुर्गी है वो गेम में आ चुकी है, लेकिन ये अकेली मुर्गी इतने बड़े दुनिया में क्या करेगी, और वो भी इन जानवर के बीच, कुछ नहीं कर सकती। तो हमें चाहिए इस गेम के लिए एक मुर्गा भी जो कि इस मुर्गी के साथ रहेगा, और फिर हमें मुर्गी के बच्चे का मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप आ जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए मुर्गा। तो चलो अब हम बनाएंगे मुर्गे का मॉडल। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने मुर्गी के साथ ये मुर्गा भी बना दिया है, और अभी दोनों यहाँ पे सुखी जीवन बिता सकते हैं, और हमें मुर्गे के बच्चे का मॉडल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन और हमने ये एक जानवर बनाया है, ये इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो ये मगरेश नाम का एक जानवर है जो कि हमने बनाया है, जिसके दांत गिर चुके हैं। ये मगरमच्छ नहीं है, ये मगरेश है। और ओ भाई साहब, ये कहाँ से आ गया? और ये है खेकड़ेश, तो ये भी हमने प्रोटीन जन AI से बनाया है। तो मुझे और भी आइडिया चाहिए, तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कीजिए, और हम और क्या कर सकते हैं इस गेम को लेकर, कि और मतलब मुझे आइडिया चाहिए कि हम और इस गेम में क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्कॉर्ड पर आइए, डिस्कशन कीजिए, मुझे बताइए। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ जो कि है सेमिनार से रिलेटेड। मैं गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, फ्री होगा। आपको बस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और आपको मेल आ जाएगा जब भी हम सेमिनार शेड्यूल करेंगे। और ये ऑनलाइन सेमिनार होगा, लाइव सेमिनार होगा, और उसमें हम सवाल जवाब भी कर सकते हैं, और हम गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज पर हम बात करेंगे। सेमिनार का मेन मोटिव सिर्फ ये है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गेम डेवलपमेंट में लाना है इंडिया से,
और वही इस सेमिनार का उद्देश्य है। ओके, तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, डिस्कॉर्ड पे आइएगा और इस गेम को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताइएगा, और रोडिंग एन एआई को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो सेमिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख के जरूर आइएगा, और उसके बारे में भी वही पे जाके कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, मैं चला अब कहीं और, बाय बाय। जाओ रे। अरे जाओ भाई, दूसरा वाला वीडियो भी देखो।